बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का पार्ट बी है, जिसके अंदर हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर जो है उसको हम रिप्रेजेंट जो है वो कैसे करते हैं। ये वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है ये दो तरह की से है हमारे पास। एक को हम एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, दूसरी को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के अंदर जो है वो हम वेक्टर को एनालिटिकली स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम कोई लेटर लिखते हैं उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ये एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, या एक लेटर लिख के उसके नीचे ऐसे लाइन लगा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हैंड रिटन रिप्रेजेंटेशन हैं वेक्टर की, या कैपिटल के अंदर जो है वो भी इसी तरीके से है कि ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की, ए वेक्टर या उस लेटर के नीचे हम लाइन लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और कंप्यूटर के अंदर जो है वो बोल्ड फेस करेक्टर होते हैं, यानी कि हम उसको उन वर्ड्स को जो है वो थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारे पास, ये असल में ओल्ड नोटेशन है, पुरानी बुक्स के अंदर आपको बोल्ड फॉर्म के अंदर मिलेगा, जबकि जो न्यू बुक्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है वो किसी भी लेटर के ऊपर या उसके नीचे जो है वो एक एरो लगाया जाता है। तो ये हमारे पास जो एनालिटिकल या ज्योमेट्रिकल हैंड रिटन रिप्रेजेंटेशन है। और सेकंड टाइप जो है रिप्रेजेंटेशन की वो ज्योमेट्रिकली है। ज्योमेट्रिकली वेक्टर जो है वो एक एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तीर के साथ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ से वेक्टर को हम शुरू करते हैं, यानी कि जो कि इनिशियल पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर की टेल है, यानी कि दूम है वेक्टर की। या इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको हम इसका कहते हैं कि ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। इसी तरीके से जो लास्ट वन होता है उसको हम कहते हैं ये वेक्टर का हेड है, या इसको हम टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, और जिस तरफ टर्मिनल पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर की सेंस है, यानी कि उसकी सम्मत है कि वेक्टर जो है ये उस तरफ जा रहा है। और वेक्टर जो है वो सिमत के अलावा उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, और मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर की वो इनिशियल पॉइंट से लेके टर्मिनल पॉइंट तक, यानी कि टेल से लेके हेड तक का जो डिस्टेंस होता है वेक्टर के अंदर, उसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, या इसको हम वेक्टर की लेंथ भी कहते हैं, या एक और वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है जो कि नॉर्म है। ये तीनों वर्ड जो हैं वो हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ करते हैं। और एनालिटिकली जो मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं किसी भी वेक्टर की, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो उसकी मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका जो है वो हमारे पास ये वाला है कि हम उस अल्फ़ाबेट के इर्द गिर्द दो लाइनें लगा देते हैं, दो बार लगाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर जो है वो अपने इनिशियल पॉइंट के मूव करने से हवाले से इसकी दो टाइप्स हैं। अगर तो उसकी टेल जो है वो फिक्स है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इफ़ इनिशियल पॉइंट इज़ फिक्स्ड, अगर तो इनिशियल पॉइंट जिसको हम टेल कहते हैं वो फिक्स है, तो उस वेक्टर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास फिक्स्ड वेक्टर है या लोकलाइज्ड वेक्टर है, लोकलाइज्ड वेक्टर।
जिसके अंदर हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है यानी कि जो वेक्टर की टेल है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। अगर वो किसी कोऑर्डिनेट के अंदर एक जगह पर मौजूद है, ये अगर हमारे पास एक वेक्टर है OP, तो इसकी जो इनिशियल पॉइंट होगा वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास, इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं लोकलाइज्ड वेक्टर की, जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे पास लोकलाइज्ड वेक्टर की एग्जांपल है। और सेकंड जो है हमारे पास, अगर हमारे पास इफ इनिशियल पॉइंट वो फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड, यानी कि वो अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है OP, तो हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरी प्लेस के ऊपर, जिसको हम O डैश और P डैश कहते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी एक इसकी एग्जांपल है, वेलोसिटी, और दूसरी एग्जांपल इसकी हमारे पास मोमेंटम है, तो ये हमारे पास जो है वो इनिशियल पॉइंट के फिक्स होने या ना होने के हवाले से इसकी दो टाइप्स थी, एक को हम लोकलाइज्ड और एक को हम फ्री वेक्टर भी कहते हैं, नॉन लोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की, वेक्टर को दो तरीकों के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, एनालिटिकली, ज्योमेट्रिकली। एनालिटिकली हम जो भी अल्फ़ाबेट है उनके ऊपर या नीचे एरो लगाते हैं, जबकि ज्योमेट्रिकली जो है वो एक एरो हेड के साथ हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसे उसकी टेल कहते हैं, जहाँ पर वेक्टर एंड होता है उसको वेक्टर का हेड कहते हैं, या टर्मिनल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। इनिशियल और इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंथ या नॉर्म कहा जाता है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंथ या नॉर्म को हम उस अल्फाबेट के इर्द गिर्द दो लाइनें लगाकर जो है मैग्नीट्यूड को जाहिर करते हैं, या फिर उसको स्केलर फॉर्म के अंदर सिंपल लिख दिया जाता है कि ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर के ट्रांसपोर्ट होने या ना होने के हवाले से इसकी दो टाइप्स हैं, जो कि इनिशियल पॉइंट के हवाले से होता है कि अगर इनिशियल पॉइंट जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है या नहीं होती। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो यानी कि फिक्स हो तो उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, उसकी एग्जांपल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। और अगर वो फिक्स्ड नहीं है यानी कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं जी नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर या फ्री वेक्टर। और फ्री वेक्टर्स की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो वेलोसिटी एंड मोमेंटम है। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर, एक फर्स्ट लेक्चर का पार्ट बी था, जिसके अंदर हमने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन और उस हवाले से उसकी दो टाइप्स को देखी, लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर के हवाले से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर जो इसका होगा उसके अंदर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे इन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।